नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। लगता है खाप पंचायत अपने आप को स्वयंभू न्यायाधीश मानती है, जो मन आए वो फैसला कर दिया, जितना अर्थदंड मन में आया लगा दिया, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, सब कुछ इनके प्रभाव में है। नेचवा के सोला गांव में स्वतंत्रता दिवस के 6 दिन बाद सांसी समाज की खाप पंचायत ने जो कुकर्म किया उसने पूरे जिले के माथे पर काली फोड़ दी है। दरअसल सांसी समाज के रिश्ते में चाची जेठुते का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद समाज के ठेकेदारों ने 21 अगस्त को नेचवा के सोला गांव में खाप पंचायत की शुद्धिकरण के नाम पर सैकड़ों लोगों के सामने नग्न कर नहलाया गया। इसके बाद उन्हें समाज में शामिल होने की अनुमति दी गई। दोनों के परिजनों को भी पंच पटेलों ने प्रताड़ित किया और 53,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। युवक पर 31,000 और महिला पर 22,000 का जुर्माना लगाया और इस रकम को पंच पटेलों ने आपस में ही बांट लिया। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी ने विरोध नहीं जताया, सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। मामले का सबसे शर्मनाक पहलू है कि घटना के 11 दिन तक पुलिस को पता ही नहीं चला, जबकि सीकर पुलिस का इतना बड़ा सिस्टम है। घटना का पता तब चला जब अखिल राजस्थान सांसी समाज सुधार एवं विकास न्यास के प्रदेशाध्यक्ष सवाई सिंह मालावत सहित अन्य समाज के लोगों ने एएसपी सीकर को लिखित शिकायत दी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नेचवा थाना में नामजद 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच एसटीएससी सेल के सीईओ वीरेंद्र कुमार शर्मा को सौंपी गई है। शुद्धिकरण के नाम पर खाप की गंदगी सिर्फ इसी से पता चलती है कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 जिलों के पंच पटेल शामिल थे। शुद्धिकरण के नाम पर युवक युवती को निर्वस्त्र कर सबके सामने दूध पानी से नहलाया गया। चाची जेठुते के वीडियो व फोटो करीब 1.5 माह पहले वायरल हो गए थे। 21 अगस्त को सोला गांव में खाप पंचायत हुई, जिसमें सीकर, चुरू, झुंझुनू व बीकानेर के समाज के पंच पटेल एकत्रित हुए। इस खाप पंचायत ने युवक युवती को नग्न कर नहलाने का फरमान सुनाया। सोला गांव में मिरन जाने वाले मार्ग पर एक जोहड़ी में महिलाओं सहित 300-400 लोग मौजूद थे। सबके सामने युवती व युवक को नग्न करके सफेद पतला कपड़ा शरीर पर लपेटा, उन्हें दूध व पानी से नहलाया गया। इसके बाद उन्हें समाज में शामिल होने योग्य माना गया। प्रदेश महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि सांसी समाज में यह कुप्रथा पहले से चली आ रही है, यदि युवक युवती नहलाने की इजाजत नहीं देते तो समाज से उन्हें बाहर कर दिया जाता, उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। एक आरोपी सरकारी सेवा से रिटायर्ड है, एक कर रहा है नौकरी इसमें से। मामले में आरोपी सायरमल पुत्र कोटूराम चूरू शिक्षा विभाग से ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पद से सेवानिवृत्त है। वहीं दूसरा आरोपी सुरेश कुमार पुत्र राम गोपाल नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।